ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत लालपुर तीतरी में गांव से निकलने वाला गंदा पानी नाली न होने की वजह से रोड पर चल रहा है, जिससे सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पर गंदा पानी भर जाने से सड़क खराब हो जाने की संभावना है। लालपुर तीतरी के ग्राम प्रधान ने बताया कि रोड पर पानी आ जाने से रोड खराब हो जाएगी। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा उच्च अधिकारियों से भी लिखित में की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। ग्राम प्रधान पति का कहना है कि रोड के दोनों साइड में नाली बन जाने से रोड पर पानी नहीं जाएगा और सभी आने जाने वालों को इसको परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में ग्राम प्रधान पति ने बताते हुए कहा कि काफी समय से गांव के अंदर नालियों का कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रोड के साइडों में किसानों की फसलों में पानी भर जाने से फसल बर्बाद हो जाती थी। इसलिए सभी किसानों ने गांव का गंदा पानी रोड के ऊपर खोल दिया है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे व अन्य लोगों को रोड से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड की समस्या ये है, करीब पिछले 20 सालों से ये पानी एक गड्ढा नुमा उसमें जा रहा था, तालाब नुमा गड्ढे में जो कि जमीन है। अब ये पानी उन लोगों ने बंद कर दिया, जिससे कि सारा पानी सड़क का वहाँ जो गांव आधे गांव का पानी है ये PWD की सड़क पे आ रहा है। इसके लिए मैंने पोर्टल पे लिखित शिकायत दे दी है और SDM साहब को भी दे चुका हूँ, और हो सकता है कि मैं मंडे में जाके खुद SDM साहब से इसके बारे में कहूँ। जिन लोगों ने पानी बंद कराया वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, बल्कि गांव के ही कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्राम समाज है। पानी से क्या नुकसान हो सकता है इस पानी से? नुकसान यही है, देखिए जो राहगीर हैं, एक ये हमारा चक्रोट है जो दो सड़कों को आपस में जोड़ता है, जगर और लालपुर तीतरी को, इससे राहगीरों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो खेती बाड़ी है, लोग जाते हैं अपनी गाय भैंसों के लिए चारा लेने साइकिल से जाते हैं, वो गिर जाते हैं। हमारे गांव में डॉक्टर साहब हैं, जगर के लोग और इधर के लोग आते हैं दवाई के लिए, वो मोटरसाइकिल से निकल नहीं पाते। इधर बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये अब PWD की सड़क है, अभी पड़ी है करीब महीना डेढ़ महीने पहले, जिससे कि अगर इस पर इसी तरह पानी भरा रहा तो ये सब जर्जर हो जाएगी। बस यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये जो हमारा पानी की समस्या है, SDM साहब से भी यही आग्रह करेंगे कि जहाँ ग्राम समाज हो वहाँ पर आके इस पानी की निकासी का व्यवस्था करी जाए, बताया जाए कि कहाँ ग्राम समाज है, उसी के हिसाब से हम अपनी की व्यवस्था JCB वगैरह या मजदूरों को लगा करके इस पानी को वहाँ डलवा दिया जाए।